मैं पूनम रिया नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए हाफ स्लीव्स का स्वेटर लाई हूँ, लेडीज का एम साइज का। और इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें 100 स्टिचेस डाले हैं और दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद जो ये बुनाई करी है, इसका डिजाइन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसकी जो लंबाई है, पंद्रह इंच के करीब मैंने इसको बुन लिया है। तो 15 इंच बुनने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो कटिंग इसकी होगी 5 3 2 1 की। तो पहले इसमें 5 फंदे हम घटाएंगे। अब मैंने इसका जो व्हाइट थ्रेड है उसको हटा दिया है, ऊपर का मैं ग्रीन थ्रेड से ही बनाऊंगी। तीन, चार और ये 5। तो 5 फंदे बना के बाकी इसमें ये एक कलर का ही हल्का सा डिजाइन डालूंगी, पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसकी रॉन्ग साइड में आ गए, तो जैसे राइट साइड में हमने 5 फंदे घटाए थे, सेम रॉन्ग साइड में भी हम इसके 5 फंदे घटाएंगे। चार और ये 5, और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर इसके राइट साइड आ गए, तो राइट साइड में हमें फिर से 3 फंदे घटाने हैं। तो इसके हमने 3 फंदे घटा लिए। अब डिजाइन में ये हम पूरी सीधी बुनेंगे। तो ये बहुत सिंपल डिजाइन है, सीधी साइड में एक तरफ एक बार सीधी बुननी है और एक बार उल्टी, और रॉन्ग साइड सारी उल्टी बनानी है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं, तो जैसे राइट साइड में हमने 3 घटाए थे, ऐसे ही सेम रॉन्ग साइड में भी हम 3 घटाएंगे। और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना। अब इसकी राइट साइड आ गए, अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। ये हमने 2 फंदे घटा लिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक सिलाई सीधी बनानी है, एक उल्टी, तो पिछली बार सीधी थी तो अब ये उल्टी बना ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड आ गए, तो रॉन्ग साइड में भी हमें 2 फंदे घटाने हैं। 2 फंदे घटा के पूरी सिलाई उल्टा उल्टा करके बना लेनी है। अब हम इसकी राइट साइड पे आ गए, अब हमें सिर्फ 1 फंदा घटाना है, और पिछली बार उल्टी सिलाई थी तो अब सीधी बननी है। इसे इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए, तो यहाँ पे भी हमें 1 स्टिच घटाना है। तो इसमें हमारे 5 3 2 1 की कटिंग हो गई। तो अब हम इसको थोड़ा सा बुन लेंगे और फिर उसके बाद हम
गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा भूनकर फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। जहां से आपने कटिंग शुरू करी थी ये ऊपर तक मैंने 26 रोज बना ली है, और अगर इसकी लंबाई देखें तो ये 2.5 इंच के करीब मैंने बुना है। अब हम इसकी गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो गले की कटिंग शुरू करने के लिए मैंने 5-3-2-1 की कटिंग यहां करी थी और 5-3-2-1 की इधर करी थी। तो 100 स्टिचेस थे ना, 11 इस साइड घट गए, 11 इस साइड घट गए, 22 स्टिचेस घट गए। तो अब मेरे पास ये 78 स्टिचेस है। तो 78 स्टिचेस में पहले मैं 30 फंदों को बुन लेती हूं। तो 30 फंदे मैंने बना लिए और यहां पे 30 फंदे ये और 18 जो हैं ये मैं पिन पे ले लूंगी, लेकिन इसको हम बाद में बुनेंगे, पहले हम इस साइड का ही बनाएंगे। तो इसको वापस मुड़ जाएंगे। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो पहले हम 4 की करेंगे, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो पहले हम 4 फंदे इसके घटाते हैं। एक, दो, तीन और 4, और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। राइट साइड बुन के फिर से हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए। तो पहले हमने 4 घटाए थे, अब हम इसके 3 फंदे घटाएंगे। तो 3 फंदे घटा के ये सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर से इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए, तो अब हम 2 फंदे घटाएंगे। और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और डिजाइन को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा डिजाइन चल रहा है। जैसे अब हम इसकी सीधी साइड आ गए, तो डिजाइन में हमारा जैसे एक सीधी है एक उल्टी है, तो अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो हम फंदे भी घटाते रहेंगे और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको बनाते रहेंगे। अब हम फिर से इसकी रॉन्ग साइड आ गए, अब हमें एक फंदा घटाना है। तो हमने पहले 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाया। तो 10 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हम इसके फंदे नहीं घटाएंगे और इसको सिंपल यही डिजाइन डालते हुए इसको ऊपर तक बुनेंगे। मैंने 8 इंच के करीब बना लिए, और अगर इसकी पूरी लेंथ देखे तो ये 23 इंच के करीब है। अब इस दूसरे पोर्शन में 30 फंदे तो वो और 18 फंदे जो हमें पिन पे लेने हैं। तो पहले हम 18 फंदों को पिन पे उतार लेते हैं। तो ये 18 फंदे मैंने पिन पे उतार लिए और 30 फंदे हमारे ये हैं। अब नया थ्रेड लगा के जैसे सेम मैंने ये वाला पोर्शन बनाया है, तो सेम ये वाला पोर्शन भी बनाएंगे। बस फर्क इतना है कि कटिंग इसमें इस साइड है तो राइट साइड में होगी, उसमें हमने रॉन्ग साइड में कटिंग करी थी। तो ये कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका दूसरा पोर्शन भी कम्प्लीट कर लिया। तो अब ये 2 बनाने के बाद अब मैं इसका पीछे का पोर्शन बनाऊंगी। मेरा पीछे का पोर्शन है, इसमें मैंने 100 स्टिचेस रख लिए हैं और इसमें 2 सिलाई का ये डिजाइन है, जो मैं नीचे से बॉर्डर भी उसी का बनाऊंगी और ऊपर भी सारा यही बुना जाएगा। तो ये इसकी राइट साइड है, तो सिंपल है ये। 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे।
वो इसकी सेकंड रो रॉन्ग साइड है, तो इसमें जैसा फंदा हमें दिखाई देगा वैसे बनाएंगे। अब जैसे ये दो सीधे दिख रहे हैं तो इसको दो सीधे बुनेंगे। अब ये तीन हमें उल्टे दिख रहे हैं तो इनको तीनों को उल्टा बुनना है, तो इस रो में उल्टा हो जाएगा, दो फंदे सीधे बनाने और तीन उल्टे। तो पीछे के पोर्शन में पूरा हम सिर्फ यही डिजाइन डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। सिंपली उन्हीं टू रोज को रिपीट करते करते मैंने इसको उतना ही बना लिया जितना कि मेरा फ्रंट पोर्शन है, और सेम जैसे उसमें 5 3 2 1 की कटिंग करी है, इसमें भी दोनों साइड में 5 3 2 1 की कटिंग करूंगी। तो ये सब कंप्लीट, इस पोर्शन को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद मैंने इसको सिंपल बुन लिया, जितनी पीछे की लेंथ है उतना इसको कंप्लीट कर लिया। सिंपली उन्हीं टू रोज को रिपीट करते करते मैंने इसको उतना ही बना लिया जितना कि मेरा फ्रंट पोर्शन है, और सेम जैसे उसमें 5 3 2 1 की कटिंग करी है, इसमें भी दोनों साइड में 5 3 2 1 की कटिंग करूंगी। तो ये सब कंप्लीट, इस पोर्शन को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे का पोर्शन है इसको तो मैंने राइट साइड में छोड़ा है, और जो ये आगे का पोर्शन है इसको मैंने रॉन्ग साइड पे छोड़ा है, ये है ना इसकी राइट साइड, ये रॉन्ग साइड पे छोड़ा है। तो इस तरह जोड़ने से हमारे जो दोनों के सीधा पोर्शन है, राइट पोर्शन है, वो अंदर की तरफ रहेगा, इसका भी अंदर रहेगा और इसका भी अंदर रहेगा। तो और इन दोनों को ऐसे करके हमें इसको जोड़ना है। तो बहुत सिंपल है, एक फंदा इस तरफ से उठाएंगे, एक फंदा इस तरफ से उठाएंगे और दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, दो का एक कर देंगे और जो पीछे वाला है उसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। पीछे के पोर्शन में 78 स्टिचेस थे जब हमने आर्म होल की कटिंग करी थी, तो 20-20 फंदे तो हमें शोल्डर पे रखने हैं, 40 फंदे, तो जो इसके बीच के 38 फंदे होंगे उनको फिर हम बंद कर देंगे। अब इसके ये जो 38 फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे। एक, दो, तीन, चार। अब ये हमारे 19 फंदे हैं, एक फंदा ये है क्योंकि हम 38 फंदे बंद कर चुके हैं। अब इन दोनों को हम जैसे वो वाला ज्वाइन किया है ऐसे ही इसको भी ज्वाइन करेंगे। इस धागे को काट देंगे ग्रीन वाले को, क्योंकि हम व्हाइट का धागा ही कंटिन्यू कर रहे हैं।
दोनों साइड से सिल गया। तो अब इसका नेक बनाएंगे, तो नेक में मैं 100 फंदे रखूंगी, एक तो फंदा इधर उधर हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीछे से 33, इधर से 33 और इधर से 33, पर चूंकि 18 फंदे हम इसमें ले चुके हैं और इसका टोटल 66 होना चाहिए, तो 24 मैं इस साइड से उठाऊंगी, 24 इस साइड से, 18 ये, तो ये मेरा 66 हो जाएगा और पीछे के मैं 33 उठाऊंगी। तो इसके लिए मैंने राउंड निडल लिए, गले बनाने की जो ये राउंड निडल होती है 10 नंबर की सलाई, तो इसको मैं फिर फंदे उठाना शुरू करूंगी। तो इसको किनारे से ही उठाएंगे हम। इक्वल डिस्टेंस पे फंदे उठाऊंगी। ये इस तरफ के 24 फंदे उठा लिए और ये जो 18 फंदे थे इसको मैंने सलाई पे डाल लिया। सलाई पे डाल के फिर बुनना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये फंदे पिन पे इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो इससे गले में जो है थोड़ी सफाई आ जाती है। ये 18 फंदे बुन लेने के बाद अब यहां से लेके यहां तक इसके ये 24 फंदे मैं उठाऊंगी। अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए, तो बैक साइड में तो ये यहां से अपना आराम से बन जाएंगे, इसके 33 या 35 उठा लेंगे, एक दो फंदा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 34 स्टिचेस उठा लिए, अब हम इसको क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट रो में सारी सीधी सीधी बना लूंगी और उसके बाद मैं फिर जो बॉर्डर है वो वाला सेम बॉर्डर बनाऊंगी और एक मार्कर लगा देंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी यहां से रो स्टार्ट होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा बुनकर फिर आपको दिखाती हूं। ओके, मैंने इसको 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा बना लिया। तो अब हम इसके फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो बाइंड ऑफ करने के लिए इसको पहले मैं सुई से सिलूंगी। तो जहां से हमने ये फंदे डालने शुरू किए थे वहां पिन था, वो पिन को हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है, जैसे हम दो फंदों को जब बंद करते हैं तो दो फंदों को इकट्ठे बंद करते हैं ना, ऐसे ही इसको ऐसे करेंगे और फिर उसको पहले उल्टी तरफ कर रहा था, अब इसको सीधी तरफ करेंगे। और जो फर्स्ट स्टिच है उसको गिरा देंगे और इसको
लूज नहीं छोड़ना है। इसे देखिए, और इसको सीधी तरह, और इस फंदे को गिरा देंगे और इसको टाइट ही करना है, लूज नहीं रखना। आगे वाली स्टिच को गिरा देना है, ये ऐसा बनता जाएगा। फिर से देखिए, और इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं वैसे लेके जाना है और इसको गिरा देना है। ये ऐसे चेन सी आती जाएगी इसमें। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके आखिरी में आ गए, तो वही से ये बहुत सफाई से करना तो है, तभी अच्छा लगेगा। ये चेन्स आ जाएंगे इसके। इसको अंदर की तरफ ले जाके पक्का कर देंगे। इसको कैंची से काट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत गला आया है और कितनी सफाई आई है। और ये जो हमने इसकी सिलाई ऐसे की है तो ये स्ट्रेचेबल है, इजीली गले में आ जाएगा। अब हम इसके बाजू का बनाएंगे। तो इसमें भी सेम, जहां से हमने आर्म होल की कटिंग करी थी वहां से फंदे उठाते हुए जहां जोड़ है यहां तक 50 फंदे, फिर जोड़ से दूसरी तरफ के ये 50 फंदे।
एक दो फंदे इधर उधर हो जाए कोई वो नहीं है, तो ऐसे इसको मैं फंदे इसके उठा लेती हूँ। यहां से आम होल की कटिंग है, यहां से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। एक तरफ के मैंने 50 फंदे लगा दिए, अब इस वाइट साइड के भी मैं 50 फंदे उठाऊंगी। तो ये हमने यहां तक के कोने के हटा लिए, 50 इस तरफ ये और 50 ये, तो टोटल 100 फंदे मैंने उठा लिए हैं। और अब इसको जैसे मैंने गले में बनाया है यही डिजाइन, और जैसे मैंने नीचे बॉर्डर में बनाया है सेम डिजाइन से मैं इसको बुनूंगी। तो ये बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके दोनों साइड के स्लीव्स के बना दिया बॉर्डर, तो अब बस इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए इसको ऐसे मिला के एक सिलाई यहां मार के बाकी इसको ये ऐसे पूरा सिल लेना है। तो यहां यहां से ये सिलाई ऐसे पूरी चल के सिंपल दोनों साइड ऐसे सिलना है। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी सिलाई कर ली है और ये पूरा कंप्लीट होके कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।